स्कोलियोसिस का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट करते हैं वो डायग्नोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो गई है। कई बार उनके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा है उसका कंधा ऊपर नीचे हो गया है, उसकी स्पाइन टेढ़ी हो रही है, वो थोड़ा सा एक साइड में झुक के चल रहा है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। एक बार जब हमें किसी पेशेंट का लगता है कि पेशेंट को स्कोलियोसिस है, डिफॉर्मिटी है, तो जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं वो होता है एक एक्सरे, जिसमें हमें स्पाइन की जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनकी अलाइनमेंट पता चलती है। एक बार वो डायग्नोसिस एक्सरे पे कंफर्म होने के बाद हम कुछ स्पेशल एक्सरेज कराते हैं कि जिसमें हम पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, जो स्कोलियोसिस है वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। उसके लिए हम एक होल स्पाइन का एक्सरे कराते हैं, जिसमें एक सिंगल एक्सरे पे हम सर से लेके पेल्विस तक एक सिंगल फिल्म पे एक एक्सरे लेते हैं, तो इसमें पूरी की पूरी स्पाइन हमें दिखाई देती है। और उसी एक्सरे में हम पेशेंट को साइड बेंड करा के भी एक एक्सरे कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जो कर्व है वो कितना फ्लेक्सिबल है। एक बार ये डायग्नोसिस बनने के बाद हम कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि MRI एंड CT स्कैन। MRI का जो मेन उपयोग है स्कोलियोसिस में वो ये जानने के लिए है कि अगर स्पाइन टेढ़ी है तो कहीं जो उसके अंदर जो स्पाइन के अंदर स्पाइनल कोड होती है कहीं उसमें तो कोई मालफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके जो आउटकम्स है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है अगर उसमें भी मालफॉर्मेशन है। इसके अलावा फिर हम CT से हमें 3D उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आता है, और अगर हमें ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें प्लानिंग के लिए CT की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कंजनाइटल स्कोलियोसिस हमें लगता है कि कंजनाइटली मालफॉर्म्ड है स्पाइन, तो हम उसके अलावा फिर उसका हार्ट का चेकअप कराते हैं, उसके पूरे एब्डोमन का चेकअप कराते हैं, एक बार पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं ये जानने के लिए कहीं जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो उसमें भी तो कोई मालफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कई बार ये देखा गया है कि किडनी भी अफेक्टेड होती है, किडनी का ऊपर असेंड नहीं हो पाता है स्कोलियोसिस के पेशेंट में, या एक साइड में किडनी एब्सेंट होती है, या कई बार हार्ट में भी कुछ VSD या ASD नाम के जो जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में बोलते हैं, तो हार्ट में भी कई बार छेद मिलता है ऐसे बच्चों में।